बच्चों करने वाले अब हम 14th क्वेश्चन और बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए फिगर वन को बहुत प्यार से देखिएगा। तो फिगर वन क्या कह रहा है, ये वाला है हमारा फिगर है। अब ये कह रहा है फिगर वन गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, राइट। अब ये क्या कह रहा है, एंड एक्स इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो एक्स है ये बी सी का मिड पॉइंट है, एंड लाइन ए एक्स जो ए एक्स है उसको मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको प्रोड्यूस किया और उसको मैंने कहाँ पे मीट करा है, डी सी पे, और डी सी को भी प्रोड्यूस किया और यहाँ पे मैंने कहीं क्यू पे उसको मीट करा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू इज कंप्लीटेड। अब ए बी पी क्यू कंप्लीट हो गया ये पैरेललोग्राम, तो मुझे प्रूफ करना है भाई ट्राइंगल कौन सा, ए बी एक्स इक्वल्स टू क्यू सी एक्स आर कॉन्ग्रेंट, ये आपको प्रूफ करना है, और डी सी इक्वल्स टू सी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, ये आपको इक्वल करना है, ठीक है जी। चलो कर देते हैं, बड़ा इजी है, घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, इसी को डायग्राम ना बना के ना इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसी में मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो पहला डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई हमें जो जो गिवन है वो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमें क्या प्रूफ करना। तो देखो मैं ये वाला थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो एक पीला ट्राइंगल जो मैंने कर दिया, और दूसरा हम ले लेते हैं जो हमारा फेवरेट कलर ग्रीन है ना, तो यहाँ पे ये वाला ग्रीन। तो इन दोनों ट्राइंगल को ना मुझे कॉन्ग्रेंट करना है, बहुत प्यार से देखिए बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को ना मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ कि कॉन्ग्रेंट करना है। चलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल एक्स क्यू सी, एक्स क्यू सी कुछ भी लिख सकते हो, एक्स क्यू सी, एक्स सी क्यू, सी एक्स क्यू कुछ भी कर सकते हो, ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही है ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो जी ए बी एक्स एंड ट्राइंगल एक्स क्यू सी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए ये पैरेलल साइड्स है, देख रहे हो आप, ए बी इज पैरेलल टू ये देखिए सी क्यू। तो अगर पैरेलल साइड्स है तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरे बच्चों कि ये वाला जो एंगल होगा ना देखो वो इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है, और जो ये वाला एंगल होगा बच्चों ये इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो लिख लेते हैं, चलो तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल एक्स सी क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, मैं लिख रहा नहीं हूँ पूरा आप लिख लेना, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल बी ए एक्स, बी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू सी, एंगल एक्स क्यू सी, ये भी क्या होगा बच्चों मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, बहुत प्यार से हमने ये भी कर लिया। और देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल सी एक्स क्यू, बोल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आप पूरा लिख लेना। तो भाई इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, देखो ये वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल से मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ बड़े ही प्यार में कि भाई ट्रायंगल ए बी एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्स क्यू सी, क्या बात है, ये हमने प्रूफ कर दिया। देखो पहला वाला पार्ट तो बड़ा इजीली प्रूव हो चुका है, अब सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकेंड वाला क्या कह रहा था कि भाई डी सी इक्वल्स टू क्यू सी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू पी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी सी इक्वल्स टू सी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो देखो जो मैंने ये ट्राइंगल प्रूफ किया, जब मैंने ट्राइंगल बनाया, जब मैंने ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो ए बी होगा इक्वल्स टू सी क्यू होगा बाय सी पी सी टी, बोल सकता हूँ ना, ये वाला ट्राइंगल मैंने इसके कॉन्ग्रेंट किया था, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, बड़े प्यार से बोल सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी अब मुझे ये प्रूफ करना है भाई, है ना, ये प्रूफ करना है, तो बड़े प्यार से देखना भाई, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी बोल सकता हूँ, ए बी इक्वल्स टू डी सी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता भाई, ए बी इक्वल्स टू डी सी, हमें पहले से नहीं गिवन कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू डी सी,
और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डीसी, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू डीसी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ए बी इज इक्वल टू क्यू पी, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बहुत प्यार से देखिए, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी तो वही है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो यहां से दिस इज माय इक्वेशन वन, इसको मैं वन ले लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए अभी देखो इससे प्रीवियसली मैंने क्या सॉल्व किया था कि भाई ए बी इक्वल टू सी क्यू, तो इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा मैं अगर, तो ये हो जाएगा ना ए बी इक्वल्स टू डी सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू, देखो ए बी इक्वल्स टू डी सी भी है, ए बी इक्वल्स टू क्या क्या है क्यू पी भी है, ठीक है। और यहां से देखिए ए बी इक्वल्स टू सी क्यू भी तो है, ए बी इक्वल्स टू सी क्यू भी है, तो देखो ये भी मैंने प्रूव कर लिया बड़े इजीली, है ना। तो दोनों चीज मुझे गिवन थी और हमने दोनों चीज बड़े ही प्यार में बड़े ही मजे में कर लिए, है ना। चलो अभी सेकंड वाले को घेरते हैं, आ जाओ जो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बड़े ही प्यार से। तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम बड़ा ही प्यारा डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। इसमें बोला इन फिगर टू गिवन दैट द पॉइंट पी एंड क्यू हैव टेकन बीन Have been taken on the opposite sides AB and CD respectively on a parallelogram ABCD such that AP equals to CQ, show that AC and PQ bisect each other. इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे बड़ा ही प्यार से ये क्या बोल रहा है कि भाई P and Q have taken opposite, देखो P और Q यहाँ पे एक opposite side है इस पे, ठीक है, और यहाँ पे जो AB है एंड CD डी है रिस्पेक्टिवली इज ए पैरेललोग्राम, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, वेर AP, ये जो AP है ये QC के इक्वल है, तो मुझे ये शो करना है कि भाई ये जो AC है और ये PQ है ये क्या है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मींस कि भाई ये AO किसके बराबर होगा OC के, और जो OQ होगा इक्वल्स टू OP के बराबर होगा, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे बड़े प्यार से। तो देखिए यहाँ पे आपको हिंट गिवन थी पहले से, यहाँ पे गिवन था कि ये पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, देखिए और ये वाली साइड इसके पैरेलल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ QOC एंड ट्राइंगल POA, राइट, मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूँ और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद मैं CPCT लगा दूंगा और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो चीज़ मुझे गिवन है वो पहले लिख देता हूँ, जो मुझे गिवन थी AP इक्वल्स टू QC मुझे गिवन थी, देखो पहले से यहाँ पे गिवन था मुझको, तो मैंने यहाँ लिख लिया गिवन, राइट। अब ध्यान से देखिए ये क्या है पैरेललोग्राम है, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ कर करे ऑब्वियसली बात है ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये वाली साइड जो है मैं थोड़ा सा इसको रेड से कर देता हूँ, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी इस वाली एंगल के, ये वाली एंगल की इक्वल होगी ये वाली एंगल, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल QCA इज इक्वल्स टू, या QCO भी आप लिख सकते हो या फिर QCA भी लिख सकते हो, मुझे तो इस एंगल से मतलब था जो कि मैंने सी बीच में लिख लिया, ठीक है। तो QCA इज इक्वल्स टू एंगल PAC, ये देखो PAC, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल है। तो देखिए मैंने ये भी लिख लिया, अब ये मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है, क्यों, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल QOC इज इक्वल्स टू एंगल POA, तो मैं इसको लिखता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ बड़े प्यार से। तो देखो मैंने ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ QOC इज कॉन्ग्रेंट टू POA बाय, किससे किया मैंने इसको मैंने किया साइड एंगल साइड से, जैसा आपका मन करे एंगल एंगल साइड लिख लो या साइड एंगल एंगल, चलो एंगल एंगल साइड लिख लेते हैं, नहीं तो आप लड़ाई करोगे। चलो ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, अब मैं बड़ा ही प्यार से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो PO है
ओ लिख लेता हूँ ना, क्यू लिख रहा है। तो जो पी ओ है वो इक्वल हो गया किसके, ओ क्यू के। और जो ए ओ है ये किसके इक्वल हो गया, ओ सी के। और इन दोनों को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, बाय सी पी सी टी से ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो देखो यहां से जब ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने आपको क्या बताया था, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा। अब ये अगर ये इसके इक्वल है, देखिए अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल हाफ्स में कट रहा होगा। और अगर ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है इक्वल हाफ्स में कट रहा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, हेंस यहां से आप लिखना हेंस, फिर उसके बाद ये लिखना ए सी एंड बी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। हेंस ए सी एंड क्या था वो ऊपर, पी क्यू, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सिंपल है। देखो हमने ये भी प्रूफ कर दिया बड़े प्यार से। तो ऐसे ही आपको बड़े प्यार प्यार से करना है ना, जब तक आपका प्यार बरकरार रहेगा मैथ्स के साथ तो बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका ना।